स्टैंडर्ड 8 मैथ्स चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो ये क्यूब क्या है और क्यूब रूट क्या है ये समझ लेते हैं। सपोज कोई नंबर है x, तो उसका क्यूब क्या होगा, उसी नंबर को हम उसी नंबर से तीन बार मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा क्यूब, तो इसको x का क्यूब कहते हैं। सपोज कोई एक नंबर है 2 लेते हैं, उसका क्यूब यानी क्या होगा, 2 को हम उसी नंबर से तीन बार मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 4 × 4 × 2 × 8, तो ये हो गया 2 का क्यूब 8। अब क्यूब रूट किसे कहते हैं कि सपोज कोई नंबर है तो वो किस नंबर का क्यूब है तो उसको हम क्यूब रूट कहते हैं। सपोज 8 का क्यूब रूट होगा 2, ठीक है, 2 का क्यूब 8 है और 8 का क्यूब रूट 2 है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। मतलब जो भी नंबर परफेक्ट क्यूब होगा तो उसके लिए हम कोई एक नंबर फाइंड कर सकते हैं कि जिसका क्यूब ये नंबर आए, ठीक है। अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ये नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फैक्टर्स निकालेंगे और फैक्टर्स के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि ये नंबर कोई नंबर का क्यूब है या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हम लेते हैं 216, तो ये 8 नंबर है, ये परफेक्ट क्यूब है। लेकिन हम कोई और नंबर लेके 7, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 7 किसी भी 7 का कोई क्यूब रूट आता ही नहीं है, इसलिए। तो हम पहले इस नंबर से ट्राई करते हैं 216, तो क्या करेंगे हम उसके फैक्टर्स लेंगे, लास्ट डिजिट इवन है यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड किया 1 × 2 0 × 2 एंड 8 × 2। अब 108 है, फिर से इवन है, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं 5 × 2 = 4 × 2 = 2, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं 2 × 2 = 4 7 × 2 = 14, अब 9 × 3 = 27 3 × 3 = 9 and 1 × 3 = 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फैक्टर्स को देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 3 के ग्रुप्स आ रहे हैं, एक ग्रुप है 222 और दूसरा है 333, यानी कि ये नंबर है 216, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 = 2³ + 3³, ठीक है, यानी कि 2 × 3 का क्यूब इज इक्वल टू 2 × 3 = 6, तो 6³, यानी कि 6 का क्यूब है 216, ठीक है। तो यानी कि ये जो 216 नंबर है ये परफेक्ट नंबर, परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि उसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देखते हैं 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, और 216 का क्यूब रूट आएगा 6, तो क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू 6। अब सेकंड नंबर लेते हैं 128, सेम इसी तरह से हम फैक्टर्स लेंगे, अगर 3 के ग्रुप्स बन जाते हैं तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब है, अगर कोई भी मिसिंग रहता है या एक्स्ट्रा रहता है तो ये नंबर क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम सेकंड नंबर लेते हैं 128, उसके फैक्टर्स लेते हैं 2 से डिवाइड करते हैं 6² = 4² = 2, 2² = 3² = 2² = 2, 2² = 16 × 2 + 2 = 8 × 2 + 2 = 4 × 2 + 2 से डिवाइड करते हैं 2 × 2 = 2 again। अब यहाँ पे हम 3 के ग्रुप लेते हैं, तो फर्स्ट 222 सेकंड 222, अब एक एक्सेस रह गया, तो यहाँ पे जैसे क्यूब में हम लिखने जाएंगे ना तो ये इसका ये एक्स्ट्रा रहेगा, तो इस वजह से क्या होगा कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम लिखते हैं 128 = 2³ × 2³ × 2, इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रह रहा है, तो यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, ग्रुपिंग द प्राइम फैक्टर्स इनटू ट्रिपलेट्स। अब यहाँ पे हम ट्रिपल के ग्रुप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे परफेक्ट क्यूब देख रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर देख रहे होते तो 2 का ग्रुप लेते, क्यूब है इसलिए 3 का, तो हम ट्रिपलेट्स ले रहे तो 2 एक्स्ट्रा रहता है, 2 इज लेफ्ट,
तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है. सो 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. उसके बाद थर्ड नंबर है, ये लेते हैं 1000. तो 1000 तो 10 का क्यूब है, ठीक, लेकिन फिर भी हमें मेथड से ही जाना होगा. तो 1000 के हम फैक्टर्स लेंगे, ठीक है. हम डायरेक्टली इसको 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम रेगुलरली 2, 5 इस तरह से ही जाएंगे. तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 500 इंटू 2, अगेन 2, 250 इंटू 2, अगेन 2, 125 इंटू 2. अब लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो उसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं. तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 5, 5 इंटू 5, 25, 5 इंटू 5, 1 इंटू 5. अब यहाँ पे ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं, तो एक हुआ और ये दूसरा, कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं रहता, यानी कि नंबर परफेक्ट क्यूब है. तुम लिख लेते हैं 1000 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 5 क्यूब. 2 इंटू 5 होगा 10, तो 10 का क्यूब हो गया, ठीक है. सो 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब.